हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ड सीरीज का 22nd पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मंकी किंग छुपकर उस तलवार को चुराने जाता है, लेकिन वहाँ उसकी लड़ाई लुओ हाउ से होने लगती है। इधर रूलाई को चैलेंज करने डीमन शेक आता है और अपनी सोल एटिंग पावर से उसे जकड़ लेता है। ये देखकर सभी असुर बहुत खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि रूलाई का खेल अब खत्म होने वाला है। तभी वो ऊपर कुछ हलचल होते हुए देखते हैं और एक धमाके के साथ रूलाई आजाद हो जाता है। वो डीमन शेक के अटैक की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी वो पावर दिखाऊंगा जिसे मैंने काफी टाइम से यूज नहीं किया है। डीमन शेक ये सुनकर उस पर अटैक करने आता है, लेकिन रूलाई एक ही उंगली से उसे रोक लेता है और डीमन शेक को दूर उछाल देता है। गुस्से में वो एक बार फिर रूलाई की ओर बढ़ता है और तब रूलाई अपने गोल्डन बुद्धा पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे निकला ओरा देखकर उन सबके होश उड़ जाते हैं। तब रूलाई उन्हें बताता है कि ये ओरा मेरे गुस्से से पैदा हुआ था और शुक्र करो कि लास्ट टाइम पर मैंने इसे कंट्रोल कर लिया, वरना तुम इसके सामने नहीं टिक सकते थे। फिर वो उससे लड़ाई को यहीं खत्म करने को कहता है और बाकी असुरों को लगता है कि शायद वो डीमन शेक पर तरस खा रहा है। हुजी को भी कुछ समझ नहीं आता और तब रूलाई उन्हें समझाता है कि तुम्हें मारकर मैं अपनी ताकत साबित नहीं करना चाहता, क्योंकि फैसला करने के और भी कई तरीके हैं और तुम्हें इस नफरत को दिल से निकाल देना चाहिए। आगे वो बताता है कि असुर और देवता एक ही फैमिली से हैं, लेकिन इतिहास ने हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और मैं इस बात को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। डीमन शेक पर इसका कोई असर नहीं होता और वो एक बार फिर उस पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी एक हाथ उसे रोक लेता है और वो देखता है कि ये उनका किंग लुओ हाउ है, जो उसे तुरंत पीछे हटने को कहता है। बाकी असुर भी उसे रूलाई को खत्म करने को कहते हैं, लेकिन लुओ हाउ उन्हें बताता है कि रूलाई ने ये फाइट रूल्स के हिसाब से जीती है और उसे अपनी बात रखने का पूरा हक है। फिर वो रूलाई से बात करने जाता है और कहता है कि तुम पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। रूलाई भी उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारी वेट कर रहा था ताकि यहाँ आने का कारण बता सकूँ। इस पर लुओ हाउ कहता है कि अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी चाल समझ चुका हूँ। तुमने यहाँ लड़ाई इसीलिए लड़ी ताकि मंकी किंग पीछे से उस तलवार को चुरा सके और यहाँ बैठा उसका पुतला भी एकदम नकली है। तब रूलाई उससे मंकी किंग के बारे में पूछता है और हम उनकी फाइट का एक फ्लैशबैक देखते हैं। लुओ हाउ ने ऑलमोस्ट उसे हरा ही दिया था, लेकिन तभी अचानक वो कहीं गायब हो जाता है और लुओ हाउ सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब वो कौन सी चाल चलने वाला है। तभी वो देखता है कि मंकी किंग छोटे रूप में आकर उसकी स्कल तक पहुंच गया है और उसके लड़ने के तरीके का मजाक उड़ा रहा है। गुस्से में वो उस पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन तब तक मंकी किंग उस स्कल को उससे छीन लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी शर्त को जीत लिया है। लुओ हाउ को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे मारने के बजाय हथियार वापस रख लेता है और कहता है कि तुम एक बहादुर योद्धा हो और जो चाहो यहाँ से ले जा सकते हो। फिर वो उसे वॉर्न करता है कि ये प्रॉमिस मैंने तुमसे किया था, लेकिन अगर मेरे लोग यहाँ आ गए तो मैं तुम्हें उनसे नहीं बचा पाऊंगा। मंकी किंग उसे उसकी स्कल वापस करता है और उड़ता हुआ तुरंत उस तलवार तक पहुँच जाता है। फिर वो उसे जमीन से बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि कुछ दूसरे असुर वहाँ आ पहुँचे हैं। मंकी किंग भी उन्हें देख लेता है और उस तलवार को निगल कर असुरों से बचता हुआ एक सेफ जगह आ जाता है। यहाँ लुओ हाउ उसे कहता है कि अगली बार तुम्हें और तैयारी के साथ आना होगा और मंकी किंग भी अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाता है। आगे का सीन प्रेजेंट का है, जहाँ लुओ हाउ इसे उनकी चाल बताता है और रूलाई भी इसे बिल्कुल इनकार नहीं करता। तब लुओ हाउ पूछता है कि हेवन ने तो तुम्हें बैनिश कर दिया था, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और इस पर रूलाई उसे बताता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी और जो कुछ मैंने किया उससे हेवन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी वो तलवार चुराने का असली कारण नहीं बताता और ये देखकर असुरों को गुस्सा आने लगता है। तब लुओ हाउ उसे अपनी बात याद दिलाता है जो उसने रूलाई को 300 साल पहले बताई थी और यहाँ हम उनका एक फ्लैशबैक देखते हैं। ये वो वक्त था जब असुर और देवताओं में लड़ाई छिड़ी हुई थी और लुओ हाउ किसी भी तरह उन्हें खत्म करना चाहता था। वो एक एक करके रूलाई पर कई अटैक करता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को उनसे बचा लेता है और उसे समझाता है कि तुम पिछले 10 दिन से लड़ रहे हो और तुम्हें एक बार मेरी बात सुन लेनी चाहिए। लुओ हाउ उसे नेगोशिएट करने से मना कर देता है और तभी वहीं खड़ा ओनिकाटा उस पर अटैक करने आता है, लेकिन रूलाई उसे बीच में ही रोक लेता है
और कहता है कि हमारी लड़ाई सदियों से चल रही है, जिसमें ना जाने कितने मासूम मारे गए हैं, और अब वक्त है कि हमें ये दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए। तब लुओहाओ उसे बताता है कि मैं सालों से असुरों पर राज कर रहा हूँ, लेकिन आज तक उनकी मेंटालिटी को बिल्कुल नहीं बदल पाया, और जानता हूँ कि वो देवताओं से बदला लिए बिना नहीं रहेंगे। इस पर रूलाई उसे समझाता है कि सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर की नफरत को मारना होगा, वरना तुम्हारा क्लैन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और अगर तुम चाहो तो हम दोनों इस मामले को हल कर सकते हैं। तब लुओहाओ उसे कहता है कि ताकत इस दुश्मनी को खत्म कर सकती है, और प्रेजेंट में भी वो रूलाई को चैलेंज करना चाहता है। रूलाई भी हंसकर उसकी बात टाल देता है और कहता है कि अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो ये जगह और टाइम उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लुओहाओ भी उसकी इस कनिंग नेचर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने लोगों से उसे कैद करने को बोलता है, और साथ ही उसे वार्न करता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। आगे हम मंकी किंग को देखते हैं, जो रूलाई के दिए उस स्क्रॉल को देखता है ताकि आगे की प्लानिंग का पता कर सके, लेकिन वो स्क्रॉल अचानक से एक बुद्धा में बदल जाता है, जो उसे बताता है कि अब तुम्हें रूलाई के लिए दो काम करने होंगे। पहला तो बिना उसकी वेट के यहाँ से बाहर निकलना होगा, और दूसरा ये तलवार हेवन में मिनिस्टर गुआन तक पहुँचानी होगी। मंकी किंग उससे इसका कारण पूछता है, लेकिन बुद्धा उसे बताता है कि वो सब तो मास्टर रूलाई ही जानते हैं, लेकिन दुनिया की भलाई के लिए तुम्हें ये मिशन पूरा करना ही होगा। ये सुनकर मंकी किंग सोच में पड़ जाता है, क्योंकि एक तो गुआन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और दूसरा वो हेवन के नाम से भी नफरत करता है, लेकिन वो जानता है कि रूलाई ने कुछ सोच समझ कर ही ये किया है, और वो इसे पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। यही हम हेवन का सीन देखते हैं, जहाँ गुआन डाइशी टियान को कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया है। वो बताता है कि जेंग और उसके साथी बुल क्लैन से निकल चुके हैं और फिलहाल मौत की घाटी में आराम कर रहे हैं। इस पर डाइशी टियान कहता है कि यहाँ से मैं खुद ही उन्हें संभाल लूंगा, और गुआन को एक बार फिर उसके इरादों पर शक होने लगता है। डाइशी टियान वहाँ से निकलकर अपने शेडो होल में आता है, जहाँ दो अजीब से नकाबपोश खड़े हुए हैं। वो उन्हें भी जेंग की इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर सूत्रा को वापस लाना होगा। आगे हम जेंग और उसके साथियों को देखते हैं, जो टाइम पास करने के लिए मस्ती कर रहे हैं, और रोजू को ये सब देखकर बहुत चिढ़ होती है। सैंडी जेंग को कहता है कि रात को ये घाटी और खतरनाक हो जाती है, और जेंग भी उन्हें सुबह तक का इंतजार करने को कहता है। बायलैंग भी जेंग की दी हुई ट्रेनिंग में लगा हुआ है, और मौका देखकर ओजू उससे बात करने की सोचता है ताकि सूत्रा के बारे में जानकारी निकाल सके। वो कहता है कि मैं तुम्हें ड्रैगन सोल कंट्रोल करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे सूत्रा के बारे में बताना होगा। तभी अचानक उजी वहाँ आ जाती है और रोजू को बताती है कि वो उसके बचपन के किस्से सुन चुकी है, कि कैसे उसने अकेले ही गरुड़ के छक्के छुड़ा दिए थे। ओजू उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन उजी बताती है कि ये सब मुझे मेरे भाई शाऊ ने बताया था। ओजू अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम सुनकर चौंक जाता है, और तब बायलैंग उसे बताता है कि जिस सूत्रा के बारे में तुम पूछ रहे थे वो असल में उजी ही है, लेकिन फिलहाल ये अभी अपनी ड्रैगन फॉर्म में है। ओजू भी ये सुनकर हैरान रह जाता है, और तभी जेंग उससे पूछता है कि आखिर तुम ड्रैगन क्लैन से कैसे बच निकले। ओजू बात को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जेंग कहता है कि तुम्हारा कर्ज हटने के साथ साथ तुम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए हो, और मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। तब ओजू उन्हें बताता है कि ये तो मेरी किस्मत का कमाल है, क्योंकि वहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे ड्रैगन से हुई जो खुद को ड्रैगन का पूर्वज बताता है। ये सुनकर उजी को अपने सपनों का ध्यान आता है, जहाँ वो नाजिया को देख चुकी है, और समझ जाती है कि ओजू उसी की बात कर रहा है। जेंग को भी ओजू पर शक होने लगता है, और वो उससे वापस यहाँ आने का कारण पूछता है, लेकिन ओजू ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तुम लोग मुझ पर बेवजह ही शक कर रहे हो। यहाँ उसी जेंग को उस सपने के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो भी परेशान हो जाता है, और सैंडी से तुरंत अपना एक हेयर ब्रश लाने को कहता है। रात में वो सब सोने चले जाते हैं, और तभी हम देखते हैं कि घाटी से कुछ ज़ॉम्बी सोनी की तरफ आ रहे हैं। ओजू भी कुछ सोचकर उसी के पास आता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं। फिर वो जेंग से सबको सावधान करने को कहता है, लेकिन तब तक वो ज़ॉम्बी से घिर जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उछलकर सीधा उसी की तरफ आता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।